ये कहा जाता है कि बेहतरीन पढ़ाई की शुरुआत होती है एक बेहतरीन टाइम टेबल से, और इसलिए मैं जानता हूं कि टाइम टेबल बनाना एक बहुत ही बड़ा और जरूरी मिशन है। और इसीलिए तो सारे स्टूडेंट्स आपके इस मिशन में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं अपने उस मेथड से जिस टाइम टेबल को मैंने बहुत ही सक्सेसफुली बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया था। तो देर किस बात की, आई एम अंकित राय, वेलकम टू चैनल माइन इन यू एन, लेट्स गो। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रैक्टिकल स्टेप पर। तो सबसे पहली चीज जो आपको वेल बेसिकली लिखनी है कि आपके पास कितने सब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास 5 सब्जेक्ट है, और उसके बाद आपने खुद से सवाल पूछना है कि आप इस टाइम टेबल को वेल बेसिकली कैसे बनाना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आप 5 के 5 सब्जेक्ट डेली पढ़ें, या फिर आप चाहते हैं कि आप 5 के 5 सब्जेक्ट जो है वीकली कंप्लीट करें। वेल मेरे पर्सनल केस में डेली मैं हर चीज़ नहीं कर सकता हूँ, तो वेल मैं वीकली प्रेफर करता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो सबसे पहला स्टेप हमने पूरा किया, इसमें हमने निकाले कि हमारे पास वेल कितने सब्जेक्ट हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, 5 सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं इन चीज़ों को ले रहा हूँ, और उसके बाद मैंने चूज़ किया कि मैं डेली पढ़ना चाहता हूँ या वीकली। मैंने चूज़ कर लिया कि मैं वीकली पढ़ना चाहता हूँ। ये हमारा पहला स्टेप है खुद को जानना। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है, इसमें हम निकालेंगे हमारे पास आखिर कितना टाइम है। तो वेल बेसिकली अकॉर्डिंग टू मैंने अपना पूरा डेली स्केड्यूल पूरे हफ्ते का चेक किया, और उसके बाद वेल बेसिकली मैंने हिसाब लगाया कि मैं सुबह 2 घंटे और शाम को 1 घंटा स्टडी के लिए दे सकता हूँ, यानी कि एक दिन में 3 घंटे मैं स्टडी के लिए दे सकता हूँ। अब एक दिन में 3 घंटे यानी कि मेरी स्टडी टाइम वीकली है, तो फिर 7 × 3 = 21 आवर्स हमारे पास होंगे टोटल 21 घंटे इस टाइम टेबल को पूरा करने। इसके बाद जो तीसरा इम्पॉर्टेंट स्टेप आपको अपने टाइम टेबल बनाने के लिए लेना है, वो है प्रायोरिटीज़। यानी कि हम सभी के पास कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं और उन्हें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती है। वहीं कुछ ऐसे सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल मैथ्स फिजिक्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें बहुत ही ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत होती है। तो गाइस इसीलिए आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ए, सब्जेक्ट बी, सब्जेक्ट सी, सब्जेक्ट डी एंड सब्जेक्ट ई। अब अकॉर्डिंग टू माई प्रायोरिटी मुझे लगता है कि ये सब्जेक्ट जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे ज़्यादा टाइम देना होगा, जबकि ये सब्जेक्ट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज लाइक हिंदी एंड इंग्लिश एंड ऑल दिस, ये कोई ज़्यादा टाइम देने वाली चीज़ें नहीं है, तो इन्हें मैं वेल बेसिकली लास्ट एज ए लास्ट प्रायोरिटी सेट करूँगा। और तीसरा और चौथा स्टेप दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद चौथे स्टेप में आपको टाइम सेट करना है, आपको सेट करना है कि आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देंगे। इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो आपको नोटिस करनी है वो प्रैक्टिकल स्टेप है या फिर थ्योरेटिकल स्टेप है। अब प्रैक्टिकल स्टेप से मेरे कहने का मतलब है मोर लाइक फिजिक्स एंड मैथ्स, यानी कि ये एक ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होगी, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बनाने में कभी कभी 15, 20, 25 मिनट लग जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे केस में आप एक सब्जेक्ट को सिर्फ वेल बेसिकली आधा घंटा या 40 मिनट देंगे, तो आप वेल बेसिकली एक दिन में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ऐसी चीज़ों को आपको पूरे टाइम टेबल में ज़्यादा टाइम देना होगा, जबकि थिंग्स लाइक फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री जहाँ पर ज़्यादा थ्योरी होती है, जिससे मैं वेल सिंपल लैंग्वेज में कहूँ हिंदी इंग्लिश एंड ऑल दिस, इसे हम सिर्फ पढ़ना चाहते हैं। और अगर मैं 30 मिनट बहुत ही अच्छी फोकस के साथ पढ़ता हूँ, तो भी मैं वेल बेसिकली 5 to 10 pages रीड कर सकता हूँ, जो कि मुझे ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ा है तो याद भी रहेंगे। तो इसे हमें कम टाइम देने की ज़रूरत है, जबकि प्रैक्टिकल स्टेप्स जहाँ पर हमें वेल बेसिकली अलग अलग चीज़ों को सॉल्व करना है और क्रिएटिविटी दिखानी है, इनमें हमको ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसके हिसाब से मैंने अपने सब्जेक्ट्स को कुछ ऐसे स्पेसिफाइड किया है। और इसके बाद जो पांचवा स्टेप है, प्लेसिंग द सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट को उसकी सही जगह पर लगाना। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल स्टेप है, क्योंकि आपको अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से इसे सेट करना होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 घंटे सुबह है और 1 घंटा शाम को है, और जैसा कि वेल बेसिक टेंडेंसी है कि सुबह सुबह हमारे पास ज़्यादा काम नहीं होता है, तो हमारा फोकस बहुत ही अच्छा होता है। वो कहावत आपने सुनी होगी कि सुबह पढ़ा हुआ याद रहता है, और इसीलिए अगर आप सुबह किसी चीज़ को फिक्स कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि वो ज़्यादा थ्योरी वाला स्टेप हो या फिर ऐसी चीज़ें हो जिन्हें आपको याद करने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर आप मैथ्स की अर्ली मॉर्निंग क्लास लेते हैं, तो उसमें सिर्फ वही चीज़ रखिए। फॉर एग्जांपल आपको जब याद करने होंगे फॉर्मूलाज एंड अलग अलग जो भी वेल बेसिकली
थ्योरम से, जबकि मोर प्रैक्टिकल स्टेप फॉर एग्जांपल क्वेश्चन बनाना, इन्हें आप शाम को फिक्स कर सकते हो जहां पर आपको ज़्यादा फोकस की ज़रूरत नहीं है, आपको क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ की ज़रूरत है। तो इस हिसाब से आपने अपने टाइम टेबल को फिक्स करना है, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। मैंने कुछ ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए टाइम टेबल फिक्स कर लिया है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जिसे आपने नोटिस करना है, और वो है आपका फोकस टाइम। आपने बेसिकली अपने फोकस टाइम को जानना होगा कि आप कितना ज़्यादा फोकस कर सकते हो एक टाइम पर, और स्टडी टाइम को उसी हिसाब से चंक करिए। फॉर एग्जांपल कुछ लोग 30 मिनट तक लगातार फोकस कर सकते हैं, कुछ 45 और कुछ एक घंटे तक भी कर सकते हैं। तो गाइस, अपने फोकस टाइम के हिसाब से इस टाइम को ब्रेक करिए। बीच में 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं और उसके बाद आप सब्जेक्ट को चेंज कर दीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है आपको आपके ब्रेन को रिफ्रेश रखने में और चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखने में, ताकि हर बार आपको नई चीज़ मिले और आपका ब्रेन पढ़ाई के लिए एक्साइटेड रहे। तो गाइस, ये 5 स्टेप्स आप फॉलो करिए और आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन टाइम टेबल होगा, जिसे आप पूरे साल भर तक या पूरे सेमेस्टर चलाएंगे तो आप बेहतरीन रिजल्ट पाएंगे। गाइस, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हर शुक्रवार यहाँ पर स्टडी टिप्स मैं आपको देता हूँ जिनकी हेल्प से आप अपनी स्टडी को बेहतरीन बना सकते हो। तो इंतजार किस बात का, अभी सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल माइंड इन यू को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड हैव अ ग्रेट डे।